नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सर, हम ये बताइए कि हम इतने वेतन में अपने घरों में क्या जवाब दे, किस प्रकार से अपना कार्य। सर, हर काम परीक्षा ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी, हर तरीके का कार्य हम लोगों को करना पड़ता है और हम लोग ये नौकरी छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने हमको एक एजेंडा दे दिया कि नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर, क्या है बेटी बचाओ? क्या सिर्फ परमानेंट वाली ये बेटियां हैं? हम उनकी बेटियां नहीं है क्या? सरकार की नजरों में हमारी, हमें बेटियां नहीं मानती सरकार? सर, क्या है सरकार? हम उन्हीं से पूछा जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग क्या उनकी बेटियां नहीं है? इन बेटियों पे क्यों? सर, ये बताइए, लेबर छोटे तबके के लिए तो आपने हर उसके लिए आपने अपनी सुविधाएं दी हैं, अपने नियम बनाए हैं, लेकिन हम, हमें कोई सुविधा नहीं। हम महिलाएं क्या करें? सर, हमको CCI चाहिए तो हम लोग विदाउट पेमेंट लीव ले। मेडिकल, अगर हमें छुट्टी चाहिए तो हम मेडिकल ले, क्यों? हमारे बच्चे बच्चे नहीं है सर, हमारे बच्चे बच्चे नहीं है, उनके बच्चे बच्चे हैं। तो इसका मतलब सरकार के लिए हम महिलाएं नहीं है, हम उनकी बेटियां नहीं है सर। सिर्फ वो ही महिलाएं बेटियां हैं जो परमानेंट है, सरकार के लिए हम उनकी बेटियां नहीं है। सरकार हमारा शोषण करना चाहती है, बस सरकार चाहती है कि हम ड्यूटी करने के बाद आके BLO कार्य करें, अपने घरों में ना जाए। 4 बजे के बाद जब स्कूल से लौटे, 35-35 किलोमीटर दूर पे ज्वाइनिंग दे रखी है, हम लोग पैसा कन्वेंस खर्च करके जाते हैं स्कूलों में, और उधर से लौट के आए तो हम BLO कार्य करें, डोर टू डोर जाएं। उसमें हमारी सेफ्टी कौन करेगा सर? सर, हमारी सेफ्टी कौन करेगा? क्या सर ने इसीलिए हम लोग को सेल्फ डिफेंस सिखा रही है हम महिला निदेशकों को, कि हम अपना सेल्फ डिफेंस खुद करें? फिर सर, ये सेल्फ डिफेंस हम दूसरों के साथ कर सकते हैं, अपने घर में क्या कहेंगे? सर, हम लोगों का आक्रोश बहुत तेज हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने 10 साल दे दिए, अब ना हम लोग इस नौकरी के रहे ना दूसरी नौकरी। हम लोगों का क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर। अभी तो हम लोग ये छोट जो अनशन लेकर रहे हैं, हम लोग आंदोलन, शायद ये विशाल भी हो सकता है, लेकिन सर फिर भी महिला अनुदेशक बहुत ही पुअर स्थिति में है, क्योंकि वो अपने घरों में ये भी नहीं कह सकती कि हमको लखनऊ जाना है, क्योंकि उसका आदमी उनके साथ नहीं होगा सर, उनका आदमी नहीं होगा। अगर हम लोग कहते हैं कि परमानेंट वाले पेंशन के लिए वहां तक जा रहे हैं लखनऊ तक, तो उनके पास सुविधाएं हैं सर, उनके घर साथ में है उनके, क्योंकि उन्हें 70,000-90,000 मिल रहा है, लेकिन हमें तो 9,000 मिल रहा है। हम तो अपनी नौकरी करने के लिए भी घरों में लड़ना पड़ रहा है, हम अपनी नौकरी करने के लिए भी घरों में लड़के आते हैं कि हमको जाने दो, हम लोग कुछ तो मिलता है हमको, और उसमें भी सरकार हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही है, मानदेय नहीं मिला हमको। बस सर, बस हम आपको यही आग्रह करेंगे कि आप हमारी आवाज, हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये देखिए, ये भी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेके आया है, ये देखिए इतनी भीड़ में ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है। सुबह से हम लोग 12 बजे से बैठे हुए हैं सर, और हम आपको एक सुनाएंगे हमारे महिला साथियों के साथ साथ किस तरह से परिवार वाले सपोर्ट भी नहीं करते हैं, इस छोटी सी नौकरी में बहुत ही ज्यादा शोषण करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, किस तरह से फाइट करना चाहता है, हम ये चीज और बताएंगे आपको। कोई बताना चाहता? चलो अभी मैं दोबारा आऊंगा, ये गोरखपुर के लोगों से कुछ पूछ लूं, जालौन के लोगों से, गोरखपुर के लोगों से भी एक बार बात कर लूं मैं, अभी आऊंगा हमारे। जी बिल्कुल जी जी, अभी अभी गोरखपुर के, हमारे साथ गोरखपुर से भी अनुदेशक जुड़े हुए हैं, विक्रम सिंह, मेरी बात सुन पा रहे हैं विक्रम सिंह? चलिए आप बोलिए विक्रम सिंह के पास। जी जी सर, ये हमारे साथी हैं, बहुत ही कर्मठ है, संजय जी आपको ये बताएंगे। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार करेंगे सर, आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आज जो है 2 अक्टूबर के बाद से लगातार जो है कर्मकंसन चल रहा है, यहाँ पर काफी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। सरकार से हमारी मांग है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो सब हल करी जाए, और पिछले 3 महीने से हम लोग मानदेय नहीं दिया जा रहा है, मात्र अभी तक इस वर्ष जो है 13,500 रुपए दिया गया है, जिसमें किस प्रकार हम लोग विद्यालय पहुंच पा रहे हैं ये सब...